नमस्कार बंधुरा, जयराम एवरीथिंग चैनल सबाई के जाना स्वागत। वीडियो के लाइक एवं सब्सक्राइब कर बेल आइकन दाबिए दिन जाते नेक्स्ट वीडियोगुलो आपनारा पेते पारें। नमस्कार बंधुरा। पहली लड़ाई आपकी कुदरत के साथ होगी सर। जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी सर। कुदरत ठोकेगी तुमको अच्छे से। यह भरपूर प्रयास होगा कि देखिए इसको जो देना चाहते हैं उसके लायक है भैया। आप इसको कुदरत का नेचर का ट्रायल बोल सकते हैं। ये नेचर का ट्रायल है सर। आपको तकलीफ हो रही है, लोग मना कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, घर में आपका विरोध हो रहा है, तो ये नेचर का ट्रायल है। वो देखना चाहती है कि लायक है या नहीं। अगर आपको लगता है आपका इम्तिहान नहीं हो रहा तो समझ लीजिए पैसे देने वाला मामला नहीं है। फिर तुम चुपचाप सीधा सीधा खेल रहे हो, यॉर्कर नहीं लग रहे, फुल टॉस नहीं आ रही, तो समझ लो कोई इम्तिहान नहीं चल रहा तुम्हारा, पैसे पूसे नहीं आने वाले। और अगर इम्तिहान चल रहा है तो आप कुदरत को बोलो टफ कर। और क्योंकि जितना ज्यादा टफ इम्तिहान होगा उतनी ज्यादा सफलता आपकी झोली में गिरने वाली है, ऐसा मान के चलना बसा। ऐसा तुम मान के चलना कि ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी नींव मजबूत करना चाहता हूं कि वो पहाड़ जहां अटक जाए सब अटक जाए। यूटर्न मत मारना। कुदरत परीक्षा लेगी हर वक्त हर घड़ी। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखना। ये परीक्षा सब अस्थाई है और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहना। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस टू बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आपको रोज कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये इतना आसान होता तो सब ना कर लेते। मैं फिर कह रहा हूं, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1,00,000 रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5,00,000 रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10,00,000 रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं? मैं फिर बताता हूं आपको, दिल्ली कर्नाटका के मैच में लड़का घर गया, उसका पिता गुजर गया, मां ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड, 46 नॉट आउट आया था, अगले दिन उसको खेलने जाना था। अब तू क्या करेगा? उसने अपने कोच को फोन लगाया सिडनी में, राजकुमार शर्मा, कि सर मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका कि विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे मुझको, प्रूफ कर आज अपने आप को, तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं। और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला जाके 96 किए, वापस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, वो डिजर्व करता है सर। कौन इम्तिहान ले रहा है? ये अरुणा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतेह करी, लेकिन कुछ महीने पहले क्या हो गया, ट्रेन से फेंक दिया गया। कौन खेल खेल रहा है जानते हैं? उसको दुनिया में लोकप्रिय करना चाहती थी कुदरत। कुदरत कह रही है मैं तुझको दुनिया में लोकप्रिय करना चाहती हूं, प्रूफ कर तू इस लायक है भैया। ये खेल खेला जा रहा था। रविंद्र जैन को अंधा बनाया गया, सूरदास को अंधा बनाया गया। आपको लग रहा है मजाक हो रहा है? नहीं नहीं, शोहरत देने से पहले की इम्तिहान है। शोहरत दौलत देने से पहले का इम्तिहान है। तुम्हारे को 15 लोग मना कर रहे हैं और तुम घर जा रहे हो तो कुदरत हंस रही है। कुदरत बोल रही है हमको पता था कि ये लौट जाएगा, हमने इतना खजाना रखा ही नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ, कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी। और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही तो पैर उठा के फेंक देगी बाहर। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर
अपनों से दूर रहे कुछ अपनों की खातिर, सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी, एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें।